हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिंह किचन जी में। आज हम बनाने जा रहे कटोरी चाट। कटोरी चाट बनाने के लिए हम लिए हैं 1 कटोरी मैदा, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। फिर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। फिर हम दाल को अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये मेरा मिक्स हो चुका है, लड्डू के जैसा बन रहा है ये। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूँथ लेंगे। ना आटा ज़्यादा ढीला लगाएंगे, ना टाइट, एकदम मीडियम आटा लगा लेंगे। इसी तरह मसल मसल के इसको लगा लेंगे। देखिए, मेरा आटा लग चुका है। अब हम इसका लोई बना के रोटी के जैसा इसको बेल लेंगे। अब छोटा बड़ा कटोरी ले सकते हैं, जितना बड़ा आपके घर में साइज हो कटोरी का। फिर हम रोटी बेल लिए हैं। अब कटोरी के साइड में हम तेल लगा लेंगे। फिर इसमें हम आराम से चिपका देंगे। इसी तरह आप घुमा घुमा के चिपका लीजिएगा। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल डाल के गरम कर लेंगे। देखिए, मेरा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे, और किनारे किनारे हम तेल डाल देंगे ताकि ये कटोरी छोड़ दे। घुमा घुमा के आप सेक लीजिए कटोरी को। देखिए, आराम से निकाल लेंगे कटोरी को। इसमें से छोड़ दिया है अब कटोरी। एक तरफ का मेरा सेका चुका है। इसी तरह आप सुनहरा लाल कलर का सेक लीजिएगा। अब कटोरी को हम निकाल लेंगे तेल से। फिर हम दूसरा कटोरी इसमें डाल देंगे, उसको भी हम तल लेंगे। जैसे उस कटोरी को हम तले थे घुमा के, उसी तरह इसको भी तल लेंगे। सेम प्रोसेस है। देखिए, एक किनारा छोड़ दिया है। अब कटोरी को निकाल लेंगे इसमें से। जो तेल कटोरी में था उसको हम इसी में डाल के सेक लेंगे। इसी तरह हम पूरा कटोरी तैयार कर लेंगे। देखिए, अब हम कटोरी चाट बनाने के लिए लिए हैं। ये है दही, ये है आलू भुंजिया, ये प्याज है, ये हरी चटनी, ये पंजाबी तड़का, और ये मीठा वाला चटनी है, ये आलू, और ये है काबली चना। ये मसाले हैं। ये लिए हम सादा नमक और काला नमक और मिर्चा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा लिए हैं, और हम चाट तैयार करेंगे। उबला हुआ चना लिए हैं हम, उसको डाल देंगे एक कटोरी में। फिर आलू डाल देंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े में काटे थे हम। और इसमें हम डाल देंगे काला नमक, मिर्चा पाउडर, सादा नमक, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। थोड़ा सा मीठा चटनी डाल देंगे, थोड़ा हरी चटनी डालेंगे, और मिक्स कर लेंगे सबको। थोड़ा सा इसमें प्याज डाल देंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर हम कटोरी में भर देंगे। अब कम ज़्यादा भर सकते हैं, जितना आपको खाना उतना भर दीजिए। हम पूरा कटोरी को भर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे लाल चटनी, जो मीठी चटनी हम बनाए हैं। फिर हम डालेंगे इसमें दही। फिर डालेंगे इसमें ग्रीन चटनी।
फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे, फिर इसमें हम पंजाबी तड़का डाल देंगे, फिर इस पे हम चटनी डालेंगे, मीठी चटनी, फिर दही डालेंगे, फिर ग्रीन चटनी डालेंगे, फिर आलू भुजिया इस पे डाल देंगे, थोड़ा सा इस पे हम और डालेंगे पंजाबी तड़का, फिर हरा धनिया डाल देंगे, आप इसमें अनार भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें डाल रहे हैं चेरी। जो जो चीज़ आपको पसंद होगा वो चीज़ डालिएगा, जो नहीं पसंद होगा उसको आप स्किप कर दीजिएगा। आपके घर में जैसे खाते होंगे वैसे डालिएगा और बनाइएगा। देखिए मेरा कटोरी चाट बन चुका है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।